जम्मू गए, इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट है इनका ड्राई फ्रूट का पैकेजिंग एंड सेलिंग का प्रोडक्ट जो है इनका ऑल इंडिया इन्होंने अपना नाम बना लिया है। एंड कैलीपुरा का दिवाली जैन साहब की वहां हुई थी, इन्होंने कहा कि हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके बाद ये रेगुलरली हमको उस काम के लिए हेल्प करते रहे। तो एक दिन जैन साहब एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, हमने ललित जी कहा है सजा के एम्बुलेंस को ओपन करिए, पहला तुम जरा थोड़ी स्पीच दोगे सर, आओ जरा कुछ मेरा बेटा तुसी कुछ कह दो फिर अभी उन्होंने थोड़ा जा कह दो। बस देखो बुजुर्गों का आशीर्वाद होंगे काम बच्चे भी काम करते हैं। अभी नमस्कार। इनफैक्ट ये मान के तोड़ देना एक्चुअली पिछले साल मुझे कोविड हो गया था, थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुझे लुधियाना शिफ्ट करना था, उसके लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी। तो बेटा बहुत परेशान हुआ, इसको एम्बुलेंस प्रॉपर टाइम पे मिल नहीं पाई। तो उस टाइम पे मेरे दोनों बेटों ने ये सोचा कि भाई पापा ठीक हो जाएंगे तो हम जम्मू को एक एम्बुलेंस देंगे ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को अगर जरूरत है तो टाइम से उसको हेल्प मिल सके, यही सोच के हमने ये एक शुरुआत की है। और इसके लिए मुझे सबसे कोई उपयुक्त अगर कोई संस्था लगी तो वो बीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल लगा, क्योंकि ये भी सोशल सर्विस कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में भी करते हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद हमारी इस शुरुआत को ये और ज्यादा अच्छे से आगे ले जा सकेंगे। और हमारा प्रयत्न तो यही है कि इस मुहिम में और लोग भी साथ जुड़ें ताकि एम्बुलेंस की कमी के चलते किसी को सफर ना करना पड़े। मेरा ट्रस्ट 79 में शुरू हुआ था और 97 में हमने हॉस्पिटल 96 में हमने हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया। तो दिस इज द 26th ईयर। तो हमारे मित्र हैं, हमारी मुलाकात भी ऐसे हुई कि जैन साहब जो ऐसे बना, जब कोविड की प्रॉब्लम आई तो मेरे को जाना पड़ा लुधियाना। जब लुधियाना के लिए जब हमने यहाँ सर्वे किया तो देखा कि जम्मू में अच्छी एम्बुलेंसेज ही नहीं है और कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सेंट्रलाइज नंबर नहीं है कि भी किसी को इमरजेंसी में जाना है। उस टाइम पे जब लुधियाना जा रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि भाई जम्मू के लिए ये करना बड़ा जरूरी है कि हम एक शुरुआत कहीं से हो। तो फॉर्चुनेटली हम इनके साथ जुड़ गए, तो अब मेरे को लग रहा है कि भाई हम इसको वी कैन कैरी दिस फॉरवर्ड कि भाई एक से शुरुआत हुई है, वी कैन बिल्ड इट अप। क्योंकि यहाँ पे किसी को एम्बुलेंस चाहिए तो प्राइवेट हैं 5-6 बट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और उस टाइम पे आपके पास टाइम क्रिटिकल होता है कि आपने उस क्रिटिकल टाइम में डिसीजन कितनी जल्दी लिया, कितनी जल्दी आपको हेल्प मिली। क्योंकि शायद आधा घंटा उस टाइम पे अगर वेस्ट हो गया आपका, किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो इट कैन बी वेरी कॉस्टली। सो दैट वॉज द आइडिया कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको चलाएं और इसको एक बार जब ये शुरू हो जाएगा तो इसके आगे इसमें और बढ़ाते जाएंगे, और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जो और जो लाइक माइंडेड लोग हैं कि वो चाहते हैं कि भाई कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो जो इसको ले जा सके आगे, जो जिसको आप कहते ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हाँ ये एक चीज हमने करी है तो इसका जुडिशियस यूज होगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यही होता है कि वहां पे कई बार हमें दिक्कतें आ जाती हैं कि वो टेपिज्म में, रेड टेप में फंस जाता है और सही चीज का इस्तेमाल नहीं हो पाता।
करने वाले यहाँ पे बहुत लोग हैं जो देना चाहते हैं, बट उस चीज का सही जिसके लिए जरूरत है वहां तक इस्तेमाल हो जाए, वही हमारी कोशिश है कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। थैंक यू सो मच।